राम भाई भागो। उरी भाई साहब, राम भाई, भाई ये आ इधर आ। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस जगह पे घुमाने के लिए लेके जाने वाला हूँ, वो जगह है रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इन जगहों की बेहतरीन लोकेशन। और गाइज, ये जगह जो है वो उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और काफ़ी बेहतरीन जगह है और उड़ीसा के टॉप विजिटिंग प्लेसेस में से एक है। तो गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले और आप भी इंडिया के टॉप विजिटिंग प्लेसेस को एंजॉय कर पाओ। सो गाइज, अभी हम निकल चुके हैं रत्नागिरी के लिए और हमारे साथ जा रहे हैं राम भाई। ये देखिए, अभी राम भाई ही गाड़ी चला रहे हैं। तो गाइज, काफ़ी मज़ा आने वाला है राइड पे क्योंकि राम भाई साथ में है एंड काफ़ी मज़ा किया इंसान है। आप इनके साथ अगर कहीं पे जाते हो तो आपको ऐसा कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कहीं नए जगह पे हो या आपको बोरिंग बिल्कुल भी फील नहीं होने देंगे। हाय बोलो राम भाई। तो गाइस, फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं रत्नागिरी एंड ये देखिए, ये रहा पीछे रत्नागिरी एंड ये स्टेप से ऊपर चढ़ के हमको अभी ऊपर के लिए जाना है एंड राम भाई काफ़ी एक्साइटेड है, पहले से ही रेडी हो चुका है। एंड ये रहा पीछे हमारे गेट, मेन गेट जहाँ पे टिकट करके ऊपर जाना पड़ता है। तो गाइस, चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश भी आने वाली है। तो चलते हैं ऊपर एंड जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं यहाँ की सारी चीज़ें। छोटे छोटे स्टैचू भी बनाए गए हैं जो कि अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से, काफ़ी प्राचीन काल टाइम से ही रखी गई है यहाँ पे, जैसा कि हमें यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और गाइज इस तरफ देखिए, आगे में भी कुछ आगे है देखने के लिए जगह, तो शायद छुपने के लिए भी जगह मिल जाए ताकि हम बारिश से बच सके। तो गाइस, चलिए अभी चलते हैं ऊपर की तरफ जल्दी फटाफट। राम भाई भागो। तो गाइस, अभी भागते भागते हम पहुंच गए इस तरफ एंड गाइस ये देखिए, कुछ प्राचीन मूर्तियां एंड कुछ मंदिर भी बना के रखे गए हैं। तो आगे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, इसके अंदर जाएंगे अभी एंड दिखाएंगे आपको सारे कुछ। एंड गाइस, ऊपर वाला भी हमसे काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रहा है हम लोग के साथ। और गाइज, अभी बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, हम लोग को भागना पड़ा एंड यहाँ पे आते ही पानी स्लो हो गया बिल्कुल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। राम भाई मज़ा आया? तो भाई चलिए अभी चलते हैं इसके अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है देखने के लिए एंड उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग उस तरफ। उधर भी एक मंदिर बनाया गया है तो चलेंगे उस तरफ, पहले दिखाते हैं आपको इस तरफ चल के यहाँ अंदर और क्या कुछ है देखने के लिए। ये देखिए, इधर भी कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स बना के रखे गए हैं जो काफ़ी पुराने हैं, प्राचीन काल में इसे बनाया गया था, तो अभी कुछ टूट भी गए हैं। राम भाई असली है क्या? पकड़ के देख रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ, असली है तो?
के अंदर की तरफ एक मंदिर टाइप बनाया गया है जिसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति भी है और काफ़ी पुरानी है तो टूट सी गई है। देखते हैं अंदर चल के। पूरी भाई साहब, राम भाई, भाई ये आ इधर आ, इधर भी है क्या? ओ भाई साहब गाइस ये देखिए, अंदर दोनों तरफ गुफा टाइप बनाया गया है। पता नहीं इसकी रास्ते कहाँ जाते हैं, हमें नहीं पता। तो राम भाई अंदर चलें क्या? भाई चुड़ैल वुड़ैल मिल गई तो काम तमाम हो जाएगा आज हमारा। तो राम भाई बताओ अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा, क्या क्या था अंदर में? अंदर तो मैं गया था लेकिन अंदर सब कचरा गिरा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो कुछ मूर्तियाँ टूट चुकी हैं उनके पार्ट यहाँ पे सजा के रखे गए हैं। और गाइस ये देखिए इस तरफ भी कुछ रखे गए हैं। जिस तरह से बनाई गई है स्ट्रक्चर से, इसी तरह से एक और इसके जस्ट राइट साइड में बनाई गई है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गई है एंड ये कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हिल के टॉप पे एंड गाइस देखिए यहाँ से नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और गाइस ये देखिए इसके पीछे तरफ में भी है। यहाँ पे एक शिव मंदिर था जो कि अभी मूर्ति इसके अंदर नहीं है, मूर्ति को अलग जगह पे ले जाके स्थापित कर दिया गया है ताकि पूजा पाठ होती रहे क्योंकि लोग यहाँ पे रहते नहीं थे। एंड गाइस आसमान में पूरी तरह से बादल काले हो चुके हैं, कब बारिश होगी कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं इस जगह से फटाफट। सो गाइस आपको रत्नागिरी घूम के कैसा लगा, यहाँ के लोकेशंस कैसे लगे, यहाँ के चीज़ें जो प्राचीन चीज़ें हैं वो कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। तो गाइस चलिए अभी राम भाई से जानते हैं कि इनको कैसा लगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो राम भाई बताओ कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, कैसा ये जगह कैसा लगा आपको? सुंदर लगा और मज़ा आता। गाइस वाकई में मज़ा और भी आता पर बारिश ने काफ़ी डिस्टर्बेंस कर दिया एंड अभी तक भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हमें और दो जगह पे जाना है तो गाइस इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है जल्दी से ताकि अगर जल्दी नहीं गया तो गाइस कहीं बारिश आ गया तो हम फिर आगे की लोकेशन जो है दो जगह की वो हम नहीं दिखा पाएंगे। तो गाइस चलिए फटाफट यहाँ से चलते हैं उदयगिरी एंड उसके बाद चलेंगे ललित। अभी हम पहुंच चुके हैं उदयगिरी एंड ये देखिए इस तरफ गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह बनाई गई है तो हमने अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर ली है। एंड गाइस ये देखिए ये रहा इधर मेन गेट एंड हमको इधर से जाना है अभी थोड़ी आगे तरफ एंड आगे से जाके चढ़ेंगे ऊपर पहाड़ी की तरफ।
और गाइज बारिश काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है आज गाइज। अभी हम जस्ट उदयगिरी पहुँचे ही थे अंदर की तरफ और गाइज बारिश होने लगी है। तो गाइज देखिए छुपने के लिए भी कहीं पे जगह नहीं है, तो अभी मैं जस्ट ये पेड़ के नीचे छुपा हुआ हूँ। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी अभी जस्ट बारिश छूटी है एंड ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी हो चुके हैं। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं ऊपर की तरफ एंड आगे देखते हैं क्या कुछ है देखने के लिए, क्योंकि गाइस ये देखिए इधर भी कुछ बना हुआ है शायद। चलिए दिखाते हैं आपको इधर क्या बना हुआ है। गाइस बारिश होने के कारण पैर बहुत ज़्यादा फिसल रही है। हजार अम्बाई, तो गाइस ये रहा कुआं, अभी अभी जस्ट बारिश हुई है तो पानी भी टपक रही है ऊपर से। गाइस देख सकते हो बारिश की पानी गिरते गिरते यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, ये देखिए। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, आगे और भी बहुत कुछ देखना है और आप लोगों को दिखाना भी है। और गाइस बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। गाइस देखिए पीछे से बारिश काफी तेज आ रही है, तो अभी फिर से हमें भागनी पड़ेगी। राम भाई इधर आ जाओ। गाइस इधर एक देखिए मंदिर है एंड ऊपर कटहल जो सब्जी होती है उसका एक पौधा है, कटहल फरा हुआ भी है, तो आपको दिखाते हैं। बारिश भी आ गई गाइस। ओ गाइस बारिश काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है हमें। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कटहल गच के नीचे और गाइस ये देखिए ये रहा कटहल गच एंड ये देखिए फल भी लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। इनके चारों तरफ से इसी तरह फल लगे हुए हैं। राम भाई कहाँ गया? राम भाई गाइस राम भाई उस तरफ छुप गया है उस झोपड़ी में। रास्ता किधर से? इधर से रास्ता है। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं वहाँ, ताकि वहाँ हम भीगने से बच जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे पानी पड़ रही है तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अभी हम भीग जाएंगे। तो चलते हैं उस तरफ। और गाइस ये देखिए बारिश। सो गाइस अभी बारिश छूट चुकी है, पूरी तरह से नहीं छूटी है पर फिर भी अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। गाइस जिस तरह से रत्नागिरी में बनाए गए थे उसी तरह से यहाँ पे भी जगह है। एंड गाइस ये देखिए बीच में आंगन बनाई गई है एंड उसके बाद चारों तरफ से इधर छोटे छोटे स्टैचूज भी रखे गए हैं। एंड गाइस इधर का नज़ारा देखिए काफ़ी खूबसूरत है। अभी अभी जस्ट बारिश छूटी है। और गाइस हम लोग उस सामने जो झोपड़ी दिख रही है उस झोपड़ी में ठहरे हुए थे जब बारिश हो रही थी तो। एंड गाइस ये देखिए इसके अंदर तरफ जिस तरह रत्नागिरी में बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई थी उसी तरह से यहाँ पे भी अंदर में बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं अंदर चल के। एंड गाइस राम भाई ऊपर चढ़ गए हैं। राम भाई सीढ़ी है क्या उधर? आ रहा है भाई आ रहा है। गाइस काफ़ी मस्त नज़ारा है एंड बारिश होने के बाद गाइस काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ी हमें। गाइस जिस तरह से रत्नागिरी में आपने देखा था सामने में बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी इसी तरह सामने
देखिए बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है एंड ये और एक आंगन है। आंगन के चारों तरफ गाइस देखिए गाइस ये देखिए सामने में बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। गाइस अभी अभी जस्ट बारिश हुई है तो पानी भी जम गई है और गाइस काफी पुरानी मूर्ति है तो काफी समय पहले की बनी हुई है तो थोड़ी फूट भी गई है। तो गाइस अभी हम चढ़ने वाले हैं इसके ऊपर। गाइस बारिश होने की वजह से पैर काफी फिसल रहे हैं। गाइस ये देखिए नजारा। आपको उदयगिरी के दृश्य कैसे लगे, यहाँ पे घूम के कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो गाइज अभी हम लोग जाने वाले हैं ललितगिरी एंड गाइज बारिश काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर चुकी है तो गाइज फटाफट निकलते हैं ललितगिरी क्योंकि अगर वापस से बारिश हो गई तो फिर ललितगिरी जाना कैंसिल हो जाएगा क्योंकि शाम हो जाएगा गाइज और शाम को वहाँ पर बंद हो जाती है तो गाइज जाना कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो गाइज चलिए फटाफट निकल चलते हैं ललितगिरी। तो गाइस फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं ललितगिरी एंड ये रहा गाइस हमारे पीछे मेन गेट एंड ये गाइस जो साइड में आपको दिख रहा है ये है म्यूजियम जहाँ पे यहाँ पे मिट्टी खुदाई करके अंदर से जो बुद्ध भगवान की स्मृतियाँ निकली है वो अंदर म्यूजियम में सजा करके रखी गई है। तो आप यहाँ जब भी आओ तो गाइस अंदर म्यूजियम में जाके घूम सकते हो। अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है तो इस वजह से गाइस माफ़ी चाहूँगा अंदर की दृश्य में आपको नहीं दिखा सकता। तो गाइज चलिए अभी चलते हैं आगे की तरफ एंड आगे और भी बहुत कुछ है देखने के। गाइज ये देखिए इस तरफ है मॉन्स्ट्री वन तो गाइज चलिए अभी इस तरफ जाके देखते हैं आगे क्या है देखने के लिए उसके बाद और चलेंगे इस तरफ आगे की तरफ। गाइज ये देखिए जिस तरह उदयगिरी और रत्नागिरी में कंस्ट्रक्शन थे उसी तरह के यहाँ पे भी हैं। गाइज
गाइस अभी आपने देखा मॉन्स्टर नंबर 1 एंड ये गाइस इधर रहा मॉन्स्टर नंबर 4 एंड गाइस इधर देखिए इस तरफ रहा मॉन्स्टर नंबर 3। तो गाइस चलिए सबसे पहले 4 देखते हैं एंड उसके बाद दिखाएंगे 3। रत्नागिरी और उदयगिरी में आपने देखा, देखिए जस्ट गेट से झुकते ही एक आंगन है एंड आंगन के सामने देखिए बुद्ध भगवान की मूर्ति भी स्थापित की गई है जो टूट गई है। गाइस ये देखिए अभी हम बिल्कुल आंगन में खड़े हैं एंड चारों तरफ की दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और गाइस ये देखिए इस तरफ मूर्ति है जो टूट चुकी है। गाइस ये देखिए बारिश की वजह से पानी यहाँ पे भी भर चुकी है। और गाइस ये देखिए आधी मूर्ति है यहाँ पे। गाइस ये रहा मॉन्स्टर 3। और गाइस लगभग लगभग सारे एक जैसे ही हैं। ये देखिए ये रहा मॉन्स्टर। इसका रास्ता तो गाइस चलिए अभी चलते हैं स्तूपा के पास। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं स्तूपा के पास एंड ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये रहा स्तूपा। तो गाइस ये देखिए पीछे रहा स्तूपा। अभी आपने जैसा कि देखा स्तूपा एंड राम भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं तो वो बैठ चुका है। एंड गाइस ये देखिए इसके पीछे का नज़ारा देखिए क्या लाजवाब है। अभी आपने देखा इन तीनों जगह के लोकेशंस रत्नागिरी उदयगिरी एंड ललितगिरी। तो गाइस आपको ये जगह कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस ये जगह जो है ये तीनों जगह बुद्धिस्ट स्थल है। यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे इन तीनों जगहों पे आके शिक्षा ग्रहण करते थे। और गाइस काफ़ी कुछ टूट फूट गई है एंड कुछ जो भी स्मृतियाँ बची है उन्हें बचा के रखी गई है। टूरिज्म प्लेस के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले एंड आप भी इंडिया के टॉप विजिटिंग प्लेसेस को इंजॉय कर सको हमारे वीडियो के माध्यम से। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए बेहतरीन लोकेशंस के साथ। तब तक के लिए बम बम भोले।